बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के स्नैक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं और बहुत मज़े के भी लगते हैं। सबसे पहले हम उसके डो तैयार कर लेते हैं। डो हम बहुत बार अपने चैनल में बता चुके हैं, जैसा कि समोसा पट्टी बनानी हो या कोई और रोल वगैरह बनाने हैं, उसी तरह हम ये डो तैयार करेंगे। तो मैं फिर से बता देती हूँ, एक टीस्पून मैंने आधा किलो मैदे में 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 4 से 5 चम्मच मैंने घी के डाले हैं। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो ऐसे मुट्ठी में इकट्ठा करके देखें, जुड़ना शुरू हो जाए तो हमारी डो तैयार है। तो हमने इसको फिर नीम गर्म पानी से गूंद लिया। अच्छे से आप देख लें, बिल्कुल भी हमारे हाथों को जुड़ा नहीं है। और एक ख़ास बात है, इस डो को गूंदते वक्त हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। हमने घी इस्तेमाल करना है। अब हम मसालों को फ्राई कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए तो मैंने 2 चम्मच लिया है सूखा धनिया, 1 चम्मच लिया मैंने साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली थी। 1 चम्मच घी का गर्म करके मैंने उसमें डाल दिया। इन मसालों को थोड़ी देर मैं हल्की आंच पे फ्राई कर लूँगी, इससे ना हमारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू को अच्छे से बॉयल कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। इनमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो आलूओं को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा, और ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है। अदरक लहसुन से हमारे जो इस मसाले का टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। यह आप भी एक बार डाल के देखें, आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। तो जो फ्राई किए हुए मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्नैक्स जो मुख्तलिफ़ तरीके से बनाए जाते हैं, और तरीका चाहे एक ही हो, यानी कि समोसा बना लें, स्नैक्स बना लें, टेस्ट एक ही होता है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट शेप से बनाए जाएँ तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, मज़े से खा लेते हैं और इनका टेस्ट भी अलग अलग होता है। कहने में यही कहते हैं कि ये समोसा बना लें या रोल बना लें या ये स्नैक बना लें, सबका टेस्ट एक ही होता है, लेकिन नहीं, टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। तो यहाँ पे डो भी हमारी तैयार हो गई थी, हम उसके पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, पेड़े हमने बना लिए। अब हम इनको अच्छे से बेल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैदा डस्ट किया है और बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। बारीक रखनी है, मोटी नहीं रखनी। अगर हम मोटी बना लेंगे रोटी तो हमारा स्नैक जो है ऊपर से जल जाएगा, अंदर सॉरी ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये देखें, ये इतने साइज़ में हमने इसकी मोटाई रखी है, बड़ी सी बेल ली है। अब हमने जो मसाला बना के रखा था आलुओं का, वो सारी रोटी के ऊपर लगा देंगे। तो ये देखें, सारी रोटी के ऊपर हमने लगा दिया। अब हम इसको रोल करेंगे, नरम हाथों से हमने इसको रोल करना है और टाइट रोल करना है ताकि ये खुले ना। तो यहाँ पे देखें, ऐसे ऐसे हम रोल कर देंगे ज़ोर ज़ोर से ताकि ये खुले ना। अब हम इसको स्नैक की शेप में काट लेते हैं। हम व्हील की शेप में काटेंगे। आप ऐसे बना के कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर मसाला लगाया था, आप ऊपर ऐसे ही सारा मसाला लगा के एक रोटी और ऊपर बना के डाल के, तो उससे भी शेप काफ़ी अच्छी बन जाती है। मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भी शेप बहुत ही मज़े की लगती है और बच्चों ने बहुत ही खुश होकर खाई थी। तो ऐसे ही हम सारे जो स्नैक है काट लेते हैं। बिल्कुल नरम हाथों से काटना है। आप इस मसाले में बॉयल किया हुआ चिकन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मज़ा और टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे स्नैक जो हैं कट चुके हैं। अब हम इनको ऐसे व्हील की शेप में कर लेते हैं। ये देखें, ऐसे
तो फ्राई करने के लिए घी को मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तो घी को ज़्यादा गर्म करना है क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं करनी। आप चाहे अंडे की कोटिंग या मैदे की कोटिंग कर सकते हैं पतला सा डो बना के, लेकिन मैंने कोई कोटिंग नहीं की। ये ऐसे ही बहुत मज़े के बन जाते हैं। घी को पहले अच्छे से गर्म करना है और जो डालते ही ऊपर से पक जाए फिर हम आँच हल्की कर देंगे। तो ये देखें एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया था, अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अगर आप घी गरम नहीं करेंगे अच्छे से तो ये डालते ही खुल जाएंगे। तो जहाँ जगह बनती जा रही है मैं वहाँ और डालती जा रही हूँ। दोनों साइडों से अच्छे से कलर आने तक हम सारे पका लेते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें ये इस पर अच्छा सा कलर आ गया, ये पक चुके हैं, ये हम निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से स्नैक्स, पिन व्हील्स, समोसा, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।